तो बेटा आज का वाद है उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे। आप सबसे पहले तो ये समझो उदारवाद का मतलब क्या होता है भाई। उदारवाद को आज हम लिबरलिज्म के नाम से नाम जानते हैं। आप बोलते हैं ना हम लिबरल हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि भैया हम तो लिबरल लिबरल लोग हैं। लिबरल का मतलब क्या है? जो कि किसी के प्रति एक तरह की भावना नहीं रखता, सबके लिए समान भावना रखने वाला इंसान लिबरल इंसान कहलाता है। ठीक है, जिसके ना तो एक तरफा व्यू हो, जो दोनों तरफ की सोचकर एक बात करता हो। अब जरा यहाँ पर पढ़ते हैं इसका संदर्भ क्या है। यूरोप में 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में राष्ट्रीय एकता से जुड़े विचार उदारवाद के नज़दीक से जुड़े थे। इसका मतलब 19वीं शताब्दी में यूरोप को एकीकरण करने के लिए, राष्ट्रीयकरण करने के लिए, वहाँ राष्ट्र की भावना पैदा करने के लिए उदारवाद एक अच्छा टूल बना। ठीक है, जैसे उदारवाद अर्थात लिबरलिज्म, ये शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है। इसकी कहाँ से मिला है शब्द हमें? लैटिन शब्द से मिला। अभी लैटिन शब्द का इस्तेमाल बेटा बायोलॉजी के अंदर भी होता है ना, जो जीव विज्ञान हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो जीव जंतुओं के नाम है, जैसे इंसान का नाम होमो सेपियन है, तो ये नाम इस भाषा के अंदर, लैटिन भाषा के अंदर दिए जाते हैं। अब ये क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने वाले लोग अब ना के बराबर है, तो उसके अंदर कोई बदलाव आ नहीं सकता, तो इस भाषा में दिए गए नाम बदले नहीं जा सकते। ठीक है, चलो, तो इसको बोल, लिबर का मतलब होता है आज़ाद। आज़ाद मतलब जिसके ख्याल आज़ाद हो, जिसकी सोच आज़ाद हो, जो कि एक तरफा ना सोचता हो। ठीक है, नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का अर्थ एक व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के लिए सबकी बराबरी, समझ गए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी। सहमति का मतलब लोगों ने मिलकर सहमत होकर किसी को जो चुना हो, उस प्रकार की सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासक तथा पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। अब बेटा फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ? वहाँ के राजा को हटा दिया गया और ऐसी सरकार की बनी जो कि लोगों द्वारा चुनी गई थी। वहाँ पर एक संविधान भी बना, तो उस तरह की चीज़ों को ये क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। 19वीं शताब्दी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी जोर देते थे। इसका मतलब लोग बोलते थे कि ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के सामने बराबरी का विचार के लिए मताधिकार के पक्ष में था, लेकिन हर कोई वोटिंग के राइट के पक्ष में था ये ज़रूरी नहीं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूरोप के अंदर लड़कियों को भी वोटिंग का अधिकार बहुत दूर, बहुत एंड में जाकर मिला है। औरतों को जितने भी यहाँ लिबरल मूवमेंट हुए, जितने भी राष्ट्रवाद उदारवाद अब राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के बाद भी जो लोगों की समर्थि से, सर्वसम्मति से जो सरकार बनती थी, उसके अंदर भी औरतों का सपोर्ट नहीं लिया जाता था, औरतों को वोट देने का अधिकार मिला ही नहीं था, समझ रहे हो। तो वो लोग जो आज हमें ज्ञान देते हैं कि हमें वेस्ट से सीखना चाहिए, एक्चुअली आप देखो कि वेस्ट के अंदर भी औरतों को कानून बहुत बहुत बाद में जाकर मिला है वोटिंग का। और ये मेरे विचार नहीं है, ये आपकी NCERT 9वीं क्लास से चिक चिक के बता रही है और आज भी ये बात बता रही है। ठीक है, अब देखो, आप स्मरण करें कि फ्रांसीसी वो क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। अब ये प्रजातंत्र क्या है भाई? प्रजा मतलब लोगों द्वारा चुना गया कोई तंत्र प्रजातंत्र कहलाता है, जिसे आज हम लोकतंत्र भी कह देते हैं। ठीक है भाई, जिसे डेमोक्रेसी जो भारत में है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है क्योंकि हमारे यहाँ पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है ना जो वोट डालती है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ वोट हुए हैं, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है बेटा। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। मतलब ये सोचो कि उसके बाद भी, इतनी क्रांति होने के बाद भी, ऐसे लोग जो गरीब है, संपत्ति विहीन का मतलब क्या है? जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब आदमी और औरत, चाहे अमीर ही क्यों ना हो, उसको राजनीतिक अधिकार दिए नहीं जाते थे। ठीक है, केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी विश्व पुरुषों को मताधिकार, जैकोबिन क्लब जब बना था, जब आपने पढ़ा था जैकोबिन क्लब, उसके अंदर कुछ दिनों के लिए सारे लड़कों को अधिकार मिल गए थे। अब गरीब था, अमीर था, सबको मिले, लेकिन बाद में सिर्फ अमीर बच्चों के, अमीर लोगों के पास, अमीर लड़कों के पास, अमीर आदमियों के पास, और औरतों की तो बात ही छोड़ दो, के पास ही केवल मताधिकार का या वोट डालने का राइट था। नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई तथा उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं तथा पतियों के अधीन कर दिया।
संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभ में बने महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। इसका मतलब नेपोलियन जब आए तो उन्होंने ये वोटिंग राइट उनके ले लिए, तो कुछ दिन के लिए मिले थे वैसे भी, नेपोलियन का नाम क्या बदनाम किया जाए। तो उसके बाद ये लोग, अब बेचारे जो गरीब लड़के हैं, गरीब पुरुष हैं वो, और महिलाएं वोटिंग का राइट की डिमांड करते रहे, आंदोलन करते रहे। ठीक है, आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति तथा चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को समाप्त करने के पक्ष में था। इसका मतलब आर्थिक का मतलब जहां से पैसे कमाए जाए, बिजनेसेस। ठीक है, अब बिजनेसेस पे जो टैक्स लगाया जा रहा था उस टैक्स के विरोध में थे उदारवादी लोग। वो कहते थे कि टैक्स लगना चाहिए पर इतना नहीं लगना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि यूरोप के अंदर चुंगी व्यवस्था थी, मतलब यूरोप बेटा आपको पता है राष्ट्रीय में तो था नहीं, बहुत अलग अलग जगह मिलकर बहुत आज जैसे देश दिखाई देते यूरोप वैसे नहीं था पहले, अब शुरुआत हमारी ऐसी हुई है। तो क्या होता था कि एक सीमा से दूसरी सीमा के अंदर जाने पर चुंगी लगती थी, मतलब टोल टैक्स लगता था, और इतना इतना टैक्सेस लग जाते थे कि लोगों को व्यापार करना बड़ा ही मुश्किल था, बचाना पैसे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और फालतू के टैक्स जो कि लगाए जाते थे लोगों के ऊपर, है ना। अब उन सब चीज़ों के क्या थे, विरोध में थे। 19वीं सदी के उभरते हुए मध्य वर्ग की यह जोरदार मांग थी, मतलब वो ये चाहते थे कि फालतू के टैक्स समाप्त हो जाए, है ना। आइए हम 19वीं शताब्दी के पहले भाग में जर्मनी भाषी इलाकों के उदाहरण लें। अब जर्मन बोलने वाले इलाकों की बात करते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। मतलब नेपोलियन ने क्या किया, इतने राज्यों को एक किया, एक उसका संघ बनाया। क्यों बनाया, आगे पढ़ते हैं। इनमें से प्रत्येक अपनी मुद्रा और नाप तोल प्रणाली थी। इसका मतलब पहले क्या था कि यूरोप के 39 राज्य थे अलग अलग, उन सब में अलग अलग नाप तोल चलती थी। पहले ये बेटा ये नहीं था कि एक किलो का बाट, जैसे यहाँ पे एक किलो तो आज अमेरिका में भी एक किलो उतना ही है, पहले ऐसा नहीं था। सबका अलग अलग तरीका था नापने का, सब अलग अलग तरीके से नापते थे। तो यूरोप के अंदर क्या था भाई, अलग तरीके से 29 राज्यों में अलग अलग तरीका नापने का, अलग अलग उनकी करेंसी, अलग अलग उनका पैसा। अब बड़ी मुश्किल हो, अब एक राज्य से आदमी दूसरे राज्य में जाए तो उसका तोल ऊपर नीचे हो जाए, उसे अलग तरह का पैसा पे करना पड़े। अब इतनी सारी प्रॉब्लम की दुविधा को नेपोलियन ने सुविधा में परिवर्तित कर दिया, उन सबका एक संघ बना दिया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेसबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले व्यापारी 11 सीमा शुल्क नाकों में गुजरना पड़ता था। मतलब कितने नाके, कितने टोल टैक्स देने पड़ते थे। अब ये एक शहर बता रखा है शुरुआती, मान लो हैम्सबर्ग नाम का एक शहर है शुरुआती। अब 39 राज्यों से होके गुजर रहा आदमी, तो न्यूरेसबर्ग मतलब लास्ट, न्यूरेसबर्ग कोई लास्ट का राज्य हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के राज्यों को मूव करने के लिए बेटा उसको 11 टोल टैक्स से होके गुजरना पड़ेगा। अब सोचो उसे सीमा शुल्क, इतना सारा जो बाउंड्री का टैक्स देना पड़ेगा, तो सोचो कितना टैक्स देना पड़ गया है, और कितना लगभग 5% टैक्स देना पड़ता है, तो 11 जगह 5 लगाओ तो बेटा लगभग 55% तो उसको टैक्स देना पड़ गया। अब वो कितने का सामान लेगा, कितने का सामान बेचेगा, और ये टैक्स भी निकालेगा, तो लोगों को वो सामान कितना महंगा पड़ेगा, जब व्यापारी अपना फ़ायदा निकाल पाएगा। अल्टीमेटली ये पैसा किसके ऊपर पड़ा, जनता के ऊपर पड़ा ना। शुल्क प्राय वस्तुओं का वजन अथवा आकार के अनुसार लगाए जाते थे, जितने बड़ा सामान उतना बड़ा टैक्स। चूंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल की नीति थी, हर कोई अपनी तरीके से नापतोल कर रहा था भाई, कोई साइज के हिसाब से, कोई वेट के हिसाब से। ठीक है, व्यवस्था के कारण हिसाब लगाने में बहुत टाइम भी लग जाता था, तो ये समझ लो एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचने में बहुत समय लग जाता था, है ना, क्योंकि हर नाके पे क्या नापतोल हो रही है। अब मसलन कपड़ों के नापने का पैमाना तथा जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। मान लो किसी जगह पर एक, आज हम एक मीटर को एक लंबाई है ना पर्टिकुलर, जिसको हम एक मीटर कहते हैं। अब यूरोप में अलग अलग राज्यों में एक मीटर तो छोड़ो, मतलब कपड़े को नापने का अलग ही तरीका था। कोई एक हाथ के बराबर मान रहा है, कोई एक पैर के कदम के बराबर मान रहा है, कोई आधी हथेली आधे हमारे एल्बो की तक की लेंथ को ले रहा है। अब उससे क्या हुआ भैया, अलग अलग जगह पे उसका कपड़ा, एक ही साइज़ का कपड़ा अलग अलग तरह से नापा जा रहा है, कहीं पर वही कम और कहीं पर वही ज़्यादा। अगर एक एल मतलब क्या है, एल मतलब पहले एक तोल चलता है, जैसे मीटर चल रहा है वहाँ एल चल रहा है। कपड़ा फ्रैंकफर्ट से ख़रीदा जाता है, मान लो कि फ्रैंकफर्ट नाम की जगह है, वहाँ पे राज्य है एक, वहाँ पे ख़रीदा किसी ने, कितना
कि मान लो इतने एलील, एक एलील में, एक एले में लगभग 55 सेंटीमीटर मिल गया, कितना? अब जब वो अगले राज्य में जाएगा, ऐसे मेंज में जाएगा, तो वही कितना हो जाएगा? 55.1 हो जाएगा। न्यूरेंसबर्ग में वही कपड़ा 65.6 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्राइसबर्ग में बेटा वही कपड़ा 53.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो तो कपड़ा एक ही है, कपड़ा एक ही उसकी लंबाई, लेकिन अलग अलग जगह पे नाप तोड़ने के हिसाब से कहीं वो बड़ा और कहीं छोटा। नए व्यापारी वर्ग में ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय तथा विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के लिए पक्ष में तर्क दिए गए जहाँ वस्तुओं को लोग तथा पूंजी का आवागमन बिना किसी बाधा के हो। तो लोग क्या चाहते थे भैया? ऐसा कोई तरीका बने कि नाप तोल का भी एक तरीका हो, पैसा भी एक ही चलता हो, और टोल टैक्स भैया एक ही बार या दो बार कट के ख़त्म हो जाए, बार बार अलग अलग जगह पे ना देना पड़े। क्यों? समय भी तो खर्च होता है पैसे के साथ साथ, ठीक है भाई। अच्छा, 1834 में प्रशा की पहली बार शुल्क संघ, अब क्या बना भाई? जुवेलवरीन स्थापित किया गया। अभी जुवेलवरीन क्या है भैया? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यही परेशानियां जो रही है इनको हल किया गया। क्या किया गया? इस संघ में शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया, मुद्राओं की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। पहले तो 30 से भी ज़्यादा अलग अलग करेंसी थी, करेंसियों को कम कर दिया गया। इसके अतिरिक्त रेलवे के जाल को गतिशील बनाया, मतलब ये जुवेलवरीन ने क्या किया, इन्होंने बेटा व्यापारी लोगों का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाए तो रोड से ज़्यादा बेटा पटरियां बिछाने की कोशिश की, तो रेल मार्ग डले। क्या डले? रेल मार्ग डले। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आती है कि रेल लोगों के आने जाने से ज़्यादा शुरुआत में व्यापार के मामले में बनाई जाती थी, ताकि एक सामान को या बेटा सामान को या व्यापारियों के सामान को, माल को एक जगह से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। तो बेटा इसी मकसद के साथ ब्रिटिश इंडिया ने इंडिया के अंदर भी रेलवे लाइन बिछाई थी, इसलिए नहीं कि इंडिया के लोग इंजॉय करेंगे एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे, जबकि उनका पहला मकसद था कि उनका सामान या भारत से लूटा हुआ सामान जल्दी से जल्दी समुद्री मार्गों तक पहुंच जाए, तो रेलवे उसके लिए सबसे सुरक्षित मार्ग रहा। और उनकी सेना आराम से किसी भी जगह पर पहुंचकर होने वाले दंगे फसाद और कंट्रोल को बढ़ा सके, तो ये उनका मकसद था बेटा रेलवे लाइन बिछाने का। आपको काकोरी कांड याद होगा जिसके अंदर चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल और उनके कई अन्य मित्रों ने मिलकर काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन को लूटा। क्यों लूटा? ताकि बेटा वो पैसा, उन्होंने कहा कि ये पैसा जो इंग्लैंड जा रहा है ये भारत माता का पैसा है और भारत की आज़ादी में, भारत के संघर्ष में ये पैसा इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके बिहाफ पर उनको आगे जाकर फांसी दी अंग्रेज़ों ने, ठीक है। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रीय भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रभाव से मजबूत बनाया। बस अब भैया जब रेलवे लाइन बिछी, जब ये चीज़ें कम हुई तो राष्ट्रवाद की तरफ ही तो बढ़ रहे, एक राष्ट्र की तरफ ही तो मूवमेंट हो रही थी। चलो अब एक और चीज़ समझो भैया, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, इसके बारे में जरा पढ़ते हैं।